बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपका होस्ट यासीन लाग सीन न्यूज़ के प्रोग्राम एंटरटेनमेंट शायरी में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं शहजाद मुल्तानी साहब, मुल्तान के साउथ पंजाब के मारूफ शायर हैं। मुख्तलिफ टॉपिक पर मज़ाहिया शायरी लिखते रहते हैं और आवाम तक पहुँचाते रहते हैं। आज आपसे मुलाकात करवाते हैं इनकी और जानते हैं इन्होंने किस टॉपिक पर शायरी लिखी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है शहजाद साहब? करिए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की रहमत है। ठीक है, आज किस टॉपिक पर शायरी लिख के लाए हैं और आवाम को क्या दे रहे हैं? आज भी मेरी शायरी है सियासतदान के होते नज़म लिखी हुई है, छोड़िए। सियासतदान आपसे बड़े तंग हैं? नहीं, बड़े सख्त जुमले लिखते हैं आप। नहीं, सख्त नहीं है, तो मोहब्बत के एक बीवी और एक सियासतदान। बीवी की तो आपको सजा भी मिली है। आप ये अंदाजा लगा रहे हैं जितना मुझे अपनी बीवी से प्यार है उतना ही अपने सियासतदानों से भी प्यार है। प्यार है जो है ना, वो आपकी नफरत कैसी होगी? नहीं नहीं, नफरत नहीं। चलो जी, ये तो मोहब्बत की बातें हैं ना। देखते हैं मोहब्बत का कैसे आप अंदाजे बयां है आपका। अगर बीवी के साथ बात करें, अगर कोई ऐसी बात होती करते हैं तो आगे से वो सीख जाती भी ये काम मैंने नहीं करना। अच्छा, अगर वही प्यार सियासतदानों के साथ बीवी वाला है। अच्छा, अगर उनकी कोई गलतियाँ होंगी तो उनका भी हक बनता है वो अपनी गलतियों को सुधारे। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। ये मैंने नज़म लिखी है सरेकी में जी। खेदन कुर्सी ते बहते एंझा खेल यारो त्वाको क्या मैं दसा। हाँ, क्या बात है जी। खेदन कुर्सी ते बहते एंझा खेल यारो त्वाको क्या मैं दसा। लहदे कुर्सी तू हो दिन सीधा जेल यारो त्वाको क्या मैं दसा। अच्छा अच्छा अच्छा, बिल्कुल ठीक है आपने जी। कुर्सी के बाद अगली मंजिल जेल ही होती, सीधा जेल, लेकिन होती ड्रामेटाइज ही है वो। ओके, कुर्सी ते बांधिए बदल वेंदे ज़ौक हैं। कुर्सी ते बांधिए बदल वेंदे ज़ौक हैं। सीधा कोई नहीं हिन्ने देता सारे पुठे शौक हैं। कुर्सी ते बांधिए बदल वेंदे ज़ौक हैं। सीधा कोई नहीं हिन्ने देता सारे पुठे शौक हैं। ए त बण वेंदे ठाकुर पटेल यारो त्वाको क्या मैं दसा। कुर्सी के बाद बदल जाते हैं। बिल्कुल ऐसी, बिल्कुल ऐसी। ए ता बाण वेदन ठाकुर पटेल यारो त्वाको क्या मैं दसा। जी जी, ए गंदियां बीमारियां सकून साकू देंदे नहीं। चिंबड़ गेन साकू सारी जान ए छुड़ेंदे नहीं। ए गंदियां बीमारियां सकून साकू देंदे नहीं। चिंबड़ गेन साकू सारी जान ए छुड़ेंदे नहीं। पुठ कंडियां दी होंदी है जिवें बेल यारो त्वाको क्या मैं दसा। वाह जी वाह। ओके, बहुत आला। वोट घिनण लई सिर्फ चक्कर चले दे हैं। वोट घिनण लई सिर्फ चक्कर चले दे हैं। लोके नाल झूठे मूठे वादे चा करें दे हैं। ऐसी ही आजकल तो सब जबाग ही दिखा रहे हैं बस। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। वोट घिनण लई सिर्फ चक्कर चले दे हैं। लोके नाल झूठे मूठे वादे चा करें दे हैं। छी महीने विच थी वेंदन फेल यारो त्वाको क्या मैं दसा। वाह जी वाह, क्योंकि छी महीने हर किसी को पता लग वेंदा सारा ढंग से नहीं। ज्यादा नहीं होता है कि 6 महीने बाद ये बिल्कुल अपने वादों से अच्छे से इने नकाब उतर वेंदन जी, बिल्कुल बेनकाब हो जाते हैं। सियासत च आते कमंदे दौलत धन हैं। सियासत च आते कमंदे दौलत धन हैं। चक्करबाजी विच ये लोग नंबर 1 हैं। वाह जी वाह, बिल्कुल सही कहा। कहीं को चूना लेंदन कहीं को लेंदन तेल यारो त्वाको क्या मैं दसा। ठीक, कहीं को चूना लेंदन कहीं को लेंदन तेल यारो त्वाको क्या मैं दसा। पैसे को दे दिए ए खोटे बण वेंदे हैं। पैसे को दे दिए ए खोटे बण वेंदे हैं। काफी लोग विक देन लोटे बण वेंदे हैं। बिल्कुल ऐसी। पैसे को देख देन खोटे बण वेंदे हैं। काफी लोग विक देन लोटे बन वेंदे हैं। जी जी, इन्ना लोकां दी भी लगदी है सेल यारो त्वाको क्या मैं दसा। लांदे कुर्सी तो होंदे सीधे जेल यारो त्वाको क्या मैं दसा। अब तो चंद परसेंट ही नजरियाती रह गए, बाकी तो सारे लोटा पनी है बस। ऐसी ऐसी, ये मैंने हकीकत बयान की। अगर आपने ऐना देख के किसी को चेड़ आती है तो बेशक आती रहे। नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसी। नाजरीन, आपने शहजाद मुल्तानी साहब से बड़ी दिलचस्प नज़म सुनी।
हमारे जो सराइकी कल्चर है उसमें जो पॉलिटिशियन का किरदार है बड़ा वाज़े इन्होंने कर दिया सादे से अल्फाज के अंदर। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। रिज्क अल्लाह के हाथ में है और कभी कभी रज़ाक रिज्क की तकसीम का एहसास उन लोगों को भी अता फरमा देता है कि जो हालात की कड़ी धूप में शजरे सायादार होते हैं। मुल्तान में सुल्तान फाउंडेशन की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर सैकड़ों अफराद के लिए सुल्तान दस्तरखान सजाया जाता है। हर इंसान सुल्तान दस्तरखान का मेहमान बनता है। बिलाशुबा सुल्तान फाउंडेशन इंसानियत का काबिल फख्र सरमाया है और भले ही ऐसे इदारे हों या अफराद, वो गुर्बत व इफलास के सुलगते सहरा में एहसास की छतरियां बनते हैं।